खुशक नहीं ना होंगी, जो पानी जरा थोड़ा बहुत खुशक नहीं होंगे ना, उन्नी देर तक मैं थले उतार ही नहीं सकता क्योंकि वो बिल्कुल गारा बनया पे। बहुत बड़ा नुकसान है, कमोबेश मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार रुपया या इस तो भी ज्यादा जरा ना ये खर्चा है सिर्फ छत छत का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, परवरदिगार दी रहमतां बरकतां और निमत दे नाल अज दी वीडियो दा आगाज़ करने हैं जी। अज है 10 मुहर्रम अल हराम और अज दे दिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी दे के, अपने खानदान दी कुर्बानी दे के दीन इस्लाम बचाया सी, जिदी वजह तो अज असी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के फख्र करने हैं। सुबह सुबह निकलिया सी जी वाक, ते वाक जिहड़ी है ना जी अलहमदुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। चार चक्कर जड़े ना जी उम्र लाने होंगे ने और तकरीबन मेरा सफर जड़ा ना 2 किलोमीटर बन जाता है, सुबह और शाम 4 किलोमीटर रोजाना दी वाक है और काफी हद तक तबीयत जड़ी है ना जी बिल्कुल हल्की फुल्की महसूस होंगी और बहुत ही अच्छा फील होंगे। सारा दिन भी जड़ा ना पहले वाली हिसाब नहीं है, थकन थकन थकावट थकावट बिल्कुल इस तरह मायूसी वाला गुजरना उस तरह कोई नहीं है। अलहमदुल्ला जी गार्डन नु सारे नु पानी लग गया, फुल माशाल्लाह गुलाब दिन निकलना शुरू हो गए ने। तुहानू पता है कि पिछले दिन जिन्होंने मैं सारे उत्तू जरा ना कट दिता सी और हुण माशाल्लाह प्यारे 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 जड़े ने जी फुल निकलते पने। इधर भी चेक करो माशाल्लाह माशाल्लाह, और इधर चंबेली दे भी निकलना शुरू हो गए ने जी। चेक करो 1 2 3 4 5 6 तू पौधा तो कोई नहीं बधिया, पत्ते जड़े ना अगू सारे सड़ते पे ने पता नहीं किस वजह तू, लेकिन अलहमदुल्ला फुल जड़े ना वो निकलते पे ने। और अलहमदुल्ला साडे फ्रूटर और किन्नू वो भी जड़े ना जी माशाल्लाह होंदे पे ने, चाइना दा निब्बू ये भी और सीडलैस निब्बू जड़े ना ये भी अलहमदुल्ला ग्रोथ च नवे नवे पत्ते जड़े ना जी इन्हें निकलते पे ने। चेक करो ना छोटे छोटे पत्ते जड़े ना उतना उतना निकलते ही पे ने। अलहमदुल्ला जी घर वापस आ चुके हैं जी और घर सारा ना माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया और नाश्ता जड़ा ना जी असी करना चावलों का और चावल साडे होंदे पे ने गर्म क्योंकि राती जड़ा ना फ्रिज च रख दिते हैं ताकि गर्मी की वजह तो खराब ना होवन। और देख जड़ी है ना हाले तक भाई साहब उन्होंने इत्थी पई हुई है, चौकी क्यों नहीं लेके गया कल वो पैंदा हा कि अजकल जड़ा है ना देगा का एडा कोई रश ही कोई नहीं है। पिछले मुहर्रम या उस तो पिछले मुहर्रम मतलब इन्ना टाइम नहीं सी होंदा कि बंदा ना सिर खुरक लवे इंज देगा जड़िया ना पका पका के थक गया सी, लेकिन इस बारी आर्डर ही कोई नहीं है देगा का। क्या की नहीं। क्या कह रहे हो नहीं वो क्या होता है हाँ वो क्या होता है बोलो 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 मिनट मारो दही डाल दो अल्हम्दुलिल्लाह जी बच्चे भी खाना खा रहे हैं सुबह सुबह। तो आपके पास समझ नहीं है बेटा, चलो हाथ से खाओ लेकर नीचे गिराना मत है। हाँ फैजा को खाने दो चम्मच के साथ, वो छोटी है ना। बिलाल भी खा रहे जी और मेरे भी चावल जड़े ने जी अंदर आ गए। बेगम साहब हाले बाहर चावल अपने जड़े ने गर्म कर दी भी और अपनी प्लेट गर्म करके ले आए जी अंदर, असी अपनी अपनी प्लेट लेके अंदर आ गए हैं जी और दही पाई है, दही पा के खा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आता पे क्योंकि ऑलरेडी चावल जड़े ने देखते हैं, मर्च मसाला वैसे ही तेज होंगे जी जी। हाँ खाओ फिर
मिर्च मसाला वैसे ही तेज होंदा है जी, इस वजह तू सुबह सुबह रायता नहीं बनाया और खाली दही जड़ी है ना वो डाल के उधर खाते पे ताकि मजेदार लगन। अगर रायता बनाते तो रायते च भी मिर्च पैंदी है और फिर मिर्च जड़ी है ना होर ज्यादा तेज हो जाए। नाश्ता करते पे सी अंदर और उस टाइम सी धुप जी, नाश्ता करद करद ना बाहर का मौसम इना ज्यादा सुहाना हो गया तो माशाला यकदम इंज बारिश आला मौसम हो गया। बारिश आले तिकर हुई तो कोई नहीं लेकिन बारिश फुल जड़ी है ना वो मेरे ख्याल आने वाली है बस। बाकी जेडे चावल बचे ना जी वो पा रहे मैं कावा और परिंदा नु ताकि वो भी खा लेसन और पानी भी लिया के यार इतने कोई ना डब्बा जहा रखो पानी का लिया के भर के क्योंकि ये अगर खाने वाली चीज पानी है तो फिर पानी हल्या तो रखना पैना। इधर बच्चे सारे जेडे ना जी आए खले ने सारी सब्जी वेखन वास्ते और फैजा स्पेशली आई है लेके सब्जी वेखनी है। सब्जी माशाल्लाह साड़ी जेडी है ना जी हो ही खली है और चेक करो जेडी ना भिंडिया साड़ियां जेडी ना जी निकलदियां पई ने अल्हम्दुलिल्लाह। हां जी ए भी एक भिंडी जेडी ना निकलदी पई छड़ दियो यार। और उधर एक करेले दी वल है ए भी जेडी ना उता हुंदी है ना तेनु भी किसी चीज नाल जेडा ना लपेट देंगे ताकि ए भी जेडी ना उता खड़ी हो जावे। और इधर भी माशाल्लाह भिंडियां निकलदियां पई ने जी हुण ए पता नहीं भी मौसमिया ने या मौसमिया ने ए नहीं सानू पता थोड़ी देर बाद पानी सीमेंट रेत वगैरा सारी जी इथे फलारदे ने इथे करदे ने हाले भी ड्रम उन्हां दा इथे पिया होया और फिर जी जी खेलियां बना के जी स्पेस है ना उथे लिया के कोई होर चीज जी बीजांगे जिस तरह टमाटर है या बाकी जी चीजा ना वो लिया के बीजांगे। फायजा जी है ना जी फुलां दे नजर उतारदी पई है हिंदी फिल्मां विच या हिंदी ड्रामियां दे विच इस तरह नजर इंज करके ते इंज करदे ने उस तरह करदी पई और फुल नु ना इस तरह लेके ते फिर इंज करदी पई। फायजा कैसे कर रही हो वेल अच्छा एक करो जी सलेबियां दी बनी वंदी जिवें ओ त्रिकुल ड्रामे दे विच सलेबी नहीं बने होंदे ए उस तरह बने होए। और इधर माशाल्लाह जी बेगम साहिबा करदी पई है मक्खन और हुण दुध सानू जिहड़ा ना जी ठीक मिलदा पिया विचू विचू दुध जिहड़ा ना जी काफी ज्यादा पतला आंदा सी ना बर्फ पा के और पानी पा के ले आंदे सी दुध है सी घट और उहदी वजह तू जिहड़ा ना फिर अपना फार्मूला लेके आंदे सी लेकिन हुण अलहम्दुलिल्लाह दुध जिहड़ा ना बेहतर हो गया खालिस मिलदा पिया सानू और हुण जिहड़ा ना मक्खन साडा निकलदा। पहले तो साडा मक्खन जिहड़ा ना आंदा ही कोई नहीं सी दुध जिन्ना मर्जी काढ़ लैंदे सी जिन्ना मर्जी गर्म कर लैंदे सी मलाई उहदे उत्ते ना जिन्नी भी नहीं सी आंदी हुण माशाल्लाह दुध जिहड़ा ना जी साफ आंदा पिया। बिजली चली गई सोलर चलाने क्योंकि सोलर जड़ा ना साडा वो काम करता है इथू लेकिन अगे बोर्ड जड़ा ना हुण करंट नहीं जांदा पिया। फैजा मैं तेनू पकड़ू हां मैं पकड़ू 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 ऐ पकड़ा गया इसने पकड़वाया ना रख रख दे रख दे मिंट मार लग जाएगी किसी को रख दे हाँ अब खेलो ऐसे ऐसे खेलो ऐसे ऐसे खेलता है ना बच्चा मेरा कुत्ती माने। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह घी जड़ा ने जी आ गया होया वेरी गुड क्या हुआ लाई रहे हो काम हो गया बिलाल हाले अपना स्कूल का काम लिखता पे क्योंकि उसका काम ज्यादा सी ऐजा ने अपना स्कूल का काम जड़ा ना मुकम्मल कर लिया सिर्फ और सिर्फ उसका कुछ रंग जड़े ना लियाने ने कुछ ड्राइंग है विच हुई हुई है ना वो इन्हें फिल करनी है मतलब रंग बनना उन्होंने वो इधर रह गया बाकी इन्हें सारा जड़ा ना वो लिखने वाला काम सारा मुकम्मल हो गया। बेगम उठ पे बारिश आंदी पी बारिश शुरू हो गई उठ पे और अल्हम्दुलिल्लाह जी सावन दे रंग तुसी चेक करो कि उधरों धुप निकली हुई है बिल्कुल मैं इस टाइम धुप दे विच खलोता वा और नाल ही जड़ी है ना बारिश भी होंदी पई है तेज है मठी नहीं है बिल्कुल कणियां नहीं है तेज है बारिश भी और धुप भी माशाल्लाह निकली हुई है ए अल्लाह दे रंग हैं जी और कुदरत दे मौला है। और बेगम साहिबा अपने भांडे छांडे धो के ना खुरा शुरा साफ करदी पई है ताकि बाद फिर बारिश बुरश आवे ना कचरा मचरा जड़ा ना वो जमा ना हो या फिर कट्ठा जड़ा ना नजर ना आवे गंद।
फैजा आप अंदर आ जाओ बेटा, बारिश आ रही है। फैजा रानी, फैजा बेटा अंदर आ जाओ, बारिश आ रही है, अंदर चलो जो बारिश आ रही, बारिश बारिश बारिश। इस्त्री स्टैंड ना होने की वजह तो बेगम साहब जी ने जी चार पाई थी कपड़ा विछार के ना, तो उत्थे फिर कपड़े इस्त्री करन लग पैंदी। और असी बाहर स्टैंड बनाया लेकिन उत्थे होंदी धुप, इस वजह तो उत्थे खड़े हो के ना इस्त्री नहीं होंदी। वो फिर जो लेंटर पेगा ना टीवी लाउंज का और बाकी सारा, तो उस टाइम उत्थे जड़ा ना इस्त्री करन वास्ते वो आसान हो जाएगा काउंटर से, लेकिन हुण उत्थे धुप होंदी तो इस वजह तो कपड़े जड़े ना इस्त्री नहीं होंदे। ए कमीज मेरी जी ने जी इन थोड़ा जा सिलाई मार दिया जी, इतों भी थोड़ी जी फटी खली है और इतों भी फटी खली, ठीक है। आ लो दुध फैजा वास्ते और बच्चों की चीज। जाना सी असी सैयद आले ना, लेकिन उधर तो साड़ा प्रोग्राम जिहड़ा ना नहीं बनता पिया क्योंकि बारिश जिहड़ी है ना वो साड़े कोल रुकदी कोई नहीं पई। तकरीबन दो घंटे हो गए ने मुसलसल बारिश जिहड़ी है ना इस तरह ही होंदी पई है। और फिर साड़े कोल मेहमान भी आ गए ने, कोई फैमिली यूट्यूबर है, उन्होंने वास्ते जिहड़ा ना जी बेगम साहिबा बनांदी पई पानी। फैमिली जी है जा रही है वापस, और उन्होंने पानी शानी पिलाया और गप शप भी की है, कुछ यूट्यूब के बारे उन्होंने दस्या भी है। अमानत फैमिली ब्लॉग्स इन्हें चैनल का नाम है जी, अगर विजिट करना चाहो तो विजिट कर सकते हो जी। और शॉर्ट से ज्यादा काम करते पे ने और बिलोंग से थोड़ा करते ने, लेकिन मैं भी इन्होंने मशवरा दिता है कि शॉर्ट इन्हें ज्यादा चलती है तो शॉर्ट से काम करन, थोड़ी जी फेस वैल्यू बन जाएगी, थोड़ी पहचान बन जाएगी, चैनल जिम्मे उत्ते आएगा, उस तो बाद फिर तुसी लॉन्ग दा अलग चैनल बना लोगे तो फिर बेटर है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी फैमिली जी सी ऑफ कर दिता है जी, वो चले गए ने और हुण असीं सोचदे पए आं कि असीं जिहड़ा ना हुण की करिए, बारिश तो माशाला गई है रुक और टाइम हो गया पांच दा, साडे कोल टाइम दो घंटे है, और अगर फैमिली दा इरादा बनदा है कि जाना है तो फिर चलने आ, और अगर नहीं बनदा तो फिर नहीं जावांगे, फिर सुबह जावांगे। की ख्याल ए हुण क्यों रोंदी पई? चलो कोई नहीं बताओ उन्हें। पापा काका एक मोल ले ली सा काका ना काका आ कोई होर आ जासी बेटे ऐसा भी जड़ी है ना जी, ये भी डिप्रेस हो जाती है जो कोई इस तरह का मेहमान आंदा है या असि किसी जाइए तो वापस आंदे भी होइए ना, ये भी उदास हो जाती है, मगरू ये भी होने लग पी है। हैं पुत्र एक जड़े हाँ रोज बारिश आ रही है जी और रोज ही पानी जड़ा ना साडा खड़ा हो जाता है, और ए वाली छत जड़ी है ना जी, ये छत मेनू बहुत ज्यादा तंग करती पई है, सारी छत ते जड़ा ना सलेबा आया हुआ सारी, और थले वाली दीवार ते भी नाल नाल जड़ा ना सलेबा आंदा पिया, और उहदी रीजन की है, उहदी रीजन मैं तुहानू विखाना। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣੀ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛਾਪਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਟੈਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਲੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ, ਵਰਨਾ ਤੇਰਾ ਲੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅਖੀਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਅਗਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰੁਕਣ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਕੀਚੜ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਛਾਪਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਛੱਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਧੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਛਾਪਰ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਇਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਇਹਦੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਛੱਤ ਦਾ। ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਸਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੇਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਤਾ ਬਖਤਾ ਸੱਦਨੇ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੋਹਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁੜੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆ ਬੱਚੇ ਗਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਂਚਰ ਲੱਗ ਗਏ ਮਿੰਡ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ ਪੈਂਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਪੈਂਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰ ਟਾਇਰ ਟੂਬ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਗੋਪੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹਿ ਗਈ ਥੱਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਰਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਕਮਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਚੀਰੀ ਗਈ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਈਡ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਸਾਰੀ ਚੀਰੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੜਕ ਤੋੜ ਕੇ ਬਰਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਬਣਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿਰਾਨ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ 10 ਮੁਹਰਮ ਉਲ ਹਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਬਈ ਇਹ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖਲਾਸ ਆ ਔਰਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਪਸਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਸਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 125 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਲੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਡਕੇਟ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਯਕਦਮ ਲੱਥੇ ਇੱਕ ਜਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡਰ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਜਿੰਨਾ ਜਗਾਵੇ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਡਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਸੋਨੀ ਮਾਰੇ ਮੁੱਕੇ ਛੁੱਕੇ ਔਰ ਚਪੇਟਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਵੀ ਵੱਡਿਆ ਚੱਕ ਵੀ ਵੱਡਿਆ ਅੱਛਾ 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 ਸਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਫੜੀ ਖੜਾ ਸੀ ਦੂਰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਡਰਾਵੇ ਡਰੂਵੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਖੋਂਦਾ ਖੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਦੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਨੀ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੰਦੀ ਕੱਟੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ
लेकिन उन्हें मतलब सब तो ज्यादा जड़े है ना वो कह रहा है कि मैं यदी दरा दे क्योंकि बड़ी जोर दी उन्हें कट्टी सी ते लेकिन फिर जो उन्होंने महसूस होया ना कि यार इन्हें मोबाइल नहीं देना तो फिर वो नस गया हैरान इस वजह तू हाँ कि चलो ये वाकयात तो होंगे रहते हैं बाकी भी सारे पाकिस्तान चार जगह से ने लेकिन कम अज कम अज दस मुहर्रम उल हराम वाले दिन तो कम अज कम ये कम ना करते अज तो दिन का जोड़ा है ना वो घर गुजार लेंगे बहरहाल जी चलो अल्लाह वारिस है बच बचाव हो गया इनका भी बच बचाव हो गया उन्होंने को पिस्टल सी उन्होंने नहीं चलाया यह भी उन्होंने मेहरबानी है और मोबाइल जोड़ा है ना इन्हें नहीं दिता चलो ये भी इनका जोड़ा ना अच्छा हो गया बहरहाल अगे तू थोड़ा जा ख्याल नाल ठीक है इन्ना ज्यादा कला जाके ना खलोता किसी भी जगह से और मोबाइल अक्सर तुसी जो यूज करना हो ना उदो इस तरह शरेआम नहीं खलो के करीदा हुंदा क्योंकि अक्सर अजकल लुटेरे ही मोबाइलों के ने मोबाइल वेख के बंदा वैसे ही जरा ना वो पागल हो जाता भी यार मैं इन को ले लवा मोबाइल होना इस वजह तू आए होने चलो ठीक है बहरहाल अल्लाह खैर करेगा ठीक है कोई नी बूबी तुम भी परेशान नहीं होना है इन घट बार निकलन दिता कर हूं तेरे को वड्डा पुत्र तेरा रहा नहीं तेरे को आसरा है इना ज्यादा दूर ना जान दिता कर ते बाकी अल्लाह खैर की चलो कुछ नहीं होया चलो बच्चा है ना बाकी प्यार नाल समझा लिया कुछ नहीं होंदा ते इन्ना ज्यादा दूर ना बस है नेड़े नेड़े घर दे जा पिंड दे आसे पासे विच गलियां गुलियां दे रखा करो अल्लाह करम कर सी बस हौली हौली फिर सारे काम होंदे रहसन अल्लाह खैर करेगा हां इंशाल्लाह बस उम्मीद तो दुनिया कायम है उम्मीद जड़ी है ना नहीं तोड़नी चाहिए अल्लाह दे घर विच देर है अंधेर कोई नहीं और आज ना मेनू परेशानी बड़ी आई नहीं कोई नहीं परेशानी लमन दी कौन लोड़ ने बड़ा ही असि मां पुत्र बड़ा ही नहीं कोई नहीं कोई नहीं अल्लाह खैर कीती लेकिन तू भी ना थोड़ा जा ध्यान कर इस तरह दे ना अगर कोई थोड़ी बोड़ी कोई चीज होवे ना ते दफा कीती चीज लेके उन्होंने जान दिता ठीक है बखी नहीं पवीदा हुंदा गल नहीं पवीदा हुंदा ये लोग जड़े हुंदे ना ये ते सिर साड़ के आए हुंदे ना इन्हां नूं कोई नहीं परवाह हुंदी इन्हां नूं पता हुंदा कि यार असीं तां पता नहीं किधरों आए आ इन्हां नूं पता हुंदा जी असीं पता नहीं किधरों दे आए सासी कड़ा इधरों दे आ मार के निकल जांदे ने पिछे बंदा ना लब्भे ना लाने ना देने अजकल सवारियां इस तरह दियां ने कि बंदा पता नहीं किथों दा कितें लग जांदा ते इस वजह तों ना इस तरह दा मेरा मंगा नहीं करना ठीक है अज तों बाद कोई छोटी मोटी चीज अगर हाथ च होवे तां दे दित्ती दफा करो यार अपनी जान तों प्यारी नहीं हुंदी चीज ठीक है इन्हें सिर्फ लालच यह किया कि मेरे को दोबारा लिया नहीं जाना तो मैं इन्होंने देवा क्यों बस यही सब मसला सी ना बहरहाल फिर भी ना कोशिश कर पहले गल है कि मौका ही इस तरह का ना बना कि इस तरह जाके कला निकलोना दूसरे नंबर से अगर कोई चीज हो तो इस तरह के बंदे ना दे देती भी दफा होवो यार ए लो चीज ले लो तो जान छो जान जरूरी है ठीक है चंगा अल्लाह दे सपुरद चंगा फूफी अल्लाह दे सपुरद है जी तो फाइनली मैं उस जगह पर आ गया जी जी जगह पर उस मुंडे वकूआ होया है ना वो वाली ए वाली जगह है इस दरखत के थले इतने आ गए ना दोपहर टाइम वीडियो अपलोड करता क्योंकि इतने नैटवर्क जरा थोड़ा जा बेहतर आंदा है वो वाला नुक्कर तो उनका घर है दरखत के पिछली साइड से ना जो पिछे नजर आंदा पे उतू आ जाता है इतने इतने आके ना वीडियो अपलोड करता एक तो साए का थोड़ा जहा मतलब बहाना उन्होंने आंदा कि दरखत के साए थले खलो जाता है और एक उन्हें वीडियो अपलोड करनी होंगी वो इतने खलोता से और जो मोटरसाइकिल आए ने ना वो इधरों आए ने इतने मोटरसाइकिल उन्होंने खड़ा किया एक बंदा इतू फलांग के गया वा उधर वो जाके उन्हें जड़ा ना गल प्यार जी ना उन्हें मतलब छीनन की कोशिश की मोबाइल तो इस जगह पर जरा जी वाक्य होया तो चेक कर लो कि अब दस मुहर्रम वाला दिन है अज भी जरा ना उन्होंने ये वारदात मतलब वारदात ही अज भी मतलब बार वारदात करने वास्ते फिरते हैं अगर इन्होंने वेखिए तो अज कि इस तरह के काम करते फिरते हैं ये तो फिर उस टाइम के यजीद नालों भी ज्यादा बुरे ने ना।